सबसे पहले देखिए नीचे से जो पौधा है, ये पौधा बड़ा होता हुआ ऊपर चला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कमी के लक्षण आपको दिखेंगे ये पौधे की पुरानी पत्तियों पर निचले स्तर पर दिखेंगे, नीचे की तरफ। तो जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, ये आपको देखिए कुछ इस तरीके से जो पत्तियां आपको जली जली सी दिखाई दे रही। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान क्रॉप ज्ञान पर। किसान भाइयों, जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हो, ये जो पौधा है ये किन्नू का पौधा है और आज इस पौधे के बारे में एक रोचक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जानकारी जो है पौधे में पोषक तत्वों के संबंधित है। बहुत से किसान भाइयों के सवाल आते हैं कि हमारे पौधे का जो कलर है वो चेंज हो रहा है पत्तियों का और कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो जिन किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती है वो बड़े परेशान रहते हैं कि ये क्या बीमारी आ गई है। लेकिन बीमारी नहीं होती, ये कुछ पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधों की पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बताने वाले हैं। वैसे तो इसमें एक ही पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा पौधा ये चल रहा है करीब, ये देखिए नीचे से 2 से 2.5 साल का होगा है। हम इसमें पानी का उर्वरक का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं समय समय पर, फिर भी कुछ पोषक तत्व हैं जो हम दे नहीं पा रहे थे तो उस कमी के लक्षण इस पर दिखाई दे गए हैं। कुछ कीट के बारे में भी हम बताएंगे इसमें अगली वीडियो में आपको। तो फिर से मैं आपसे बता दूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आज हम इसमें पूरे अच्छे तरीके से आपको पोषक तत्व की कमी के लक्षण बताने वाले हैं। किशन भाई, जैसे कि आपको पता है कि पौधों को जीवित रहने के लिए, अच्छा पौधों का विकास होने के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं, कुछ गौण होते हैं। तो जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो तुम्हारे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं जिनको द्वितीयक बोलते हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होते हैं। इस तरीके से सूक्ष्म में जिंक है, कार्बन है, बोरोन है, मोलिब्लेडनम है, सल्फर है, आयरन है, काफ़ी सारे तत्व जो 8 होते हैं वो होते हैं। तो इस तरीके से 17 पोषक तत्व की आवश्यकता पौधों को पड़ती है। तो किसान भाइयों, हम बताने वाले हैं कि जो सिट्रस वाले फ्रूट हैं, फिर सिट्रस वाले फ्रूट ना हो, कोई भी फ्रूट्स का पौधा हो सकता है और उस पर कमी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि क्या कमी हमारे इस पौधे में हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले देखिए नीचे से जो पौधा है, ये पौधा बड़ा होता हुआ ऊपर चला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कमी के लक्षण आपको दिखेंगे ये पौधे की पुरानी पत्तियों पर निचले स्तर पर दिखेंगे, नीचे की तरफ। तो जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, ये आपको देखिए कुछ इस तरीके से जो पत्तियां आपको जली जली सी दिखाई दे रही होंगी, आगे से ये जलती हैं, जलना शुरू होती हैं। ये देखिए कुछ यहाँ भी इस तरीके से जली हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये पोषक तत्वों की कमी का लक्षण है। ये कुछ देखिए अंदर से भी आपको पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ से भी इस तरीके से। तो ये आपको दिख रहा होगी, ये पत्ती जो है ये पुरानी पत्ती हैं पौधे की, तो उन्हीं पे कमी के लक्षण दिखाई देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, ये कमी के लक्षण कौन से पोषक तत्व की है। देखिए किसान भाइयों, इसमें जो है कुछ, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इसमें कुछ पत्ती का जो रंग है वो हल्का पीला सा कलर का है, ये देखिए, और उसके ऊपर ये लक्षण दिख रहे हैं। इस तरीके से कुछ नई पत्तियां जो हैं, जो जिन पे भी कमी के लक्षण पीला नहीं हुए हैं लेकिन आ गए हैं, ये देखिए इसमें कुछ डार्क है, ये देखिए कुछ डार्क आगे से ये लक्षण आ गए हैं। ये देखिए नीचे से देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पुरानी पत्तियों पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स जो हैं, ये इस तरीके स्पोर्ट्स आते हैं और आने के बाद में इस तरीके से बदल जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो कमी का लक्षण है ये आपके पोटेशियम कमी का लक्षण है। जब पौधे के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इस तरह के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। ये देखिए कुछ पुरानी ऐसी पीली पत्तियाँ हो जाएंगी और पीली पत्ती होने के बाद में कुछ इस तरीके से ये जो पत्तियाँ आगे से सूखना शुरू हो जाएंगी। अगर इनको आप ऐसे मोड़ोगे मरोड़ोगे
इस तरीके से, तो ये ऐसे जड़ जाती हैं। तो ये पोटेशियम कमी का लक्षण है। ये सबसे मेन बात, ये पौधे की निचली पत्तियों पर देखने को मिलेंगे, और पौधे का जो पौधे की पत्तियां हैं उनका रंग या तो आपको कुछ ऐसा हल्का पीला हरा मिलेगा, और इस तरीके से सूखते हुए आगे से ये जो किनारा है इसका वो सूखने को मिलेगा, सूखता हुआ दिखाई देगा आपको, और ऐसे स्पॉट्स भी आपको दिख सकते हैं। फिर अगर कुछ हम नई पत्तियां देखें ऊपर की तरफ, जैसे कि नई पत्ती है बिल्कुल, ये देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल नई पत्ती है, इस पे भी ये स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। तो हमें ऐसे में इसमें क्या करना है, हमें कोई भी पोटेशियम जो युक्त उर्वरक है उसका हमें इसमें प्रयोग करना है। या तो आप उसको स्प्रे के माध्यम से कर सकते हो, या फिर आप इसके जो तना है, ये तना है, इस तने के आसपास आप उसको डालकर सिंचाई कर सकते हैं। तो ये दो तरीके किसान भाइयों हैं। तो आप पोटेशियम उर्वरक, जैसे कि आप MOP ले सकते हो, म्यूरेट ऑफ पोटास का स्प्रे कर इसमें डाल सकते हो, या फिर 05234 एक उर्वरक आता है इफको का, तो उसमें NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है, तो पोटास पोटेशियम की पूर्ति करता है, तो आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 05234 का आप, या NPK का आप 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे पौधे की पत्तियों पर कर सकते हो, जिससे एक से दो स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर करने हैं, और ये जो समस्या आपको दिख रही है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये कोई बीमारी नहीं है किसान भाइयों, ये थोड़ा सा पौधे अपनी पत्तियों पर जो तत्व की कमी होती है मिट्टी के अंदर उसको दर्शाते हैं, उसको हम पहचान कर इसको दूर कर सकते हैं किसान भाइयों। तो हमने एक ही लक्षण इस पे देखा है, जो लक्षण होते थे हम उसके बारे में आपको बताते और अच्छे से समझा पाते। आपके पौधे में भी अगर कोई ऐसा लक्षण आपको देखने को मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक सुझाव देकर आप हमें बता सकते हैं। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए किसान भाइयों, ये भी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।